हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज हमने फिर से वही टॉपिक करना है कि इस बार यूजीसी में क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो 2020 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं रीजनिंग के, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास A is to the south of B। इसको करवाने से पहले मैं आपको directions करवा देती हूँ। ये north, ये south, ये west, ये east। ठीक है, north हमेशा क्या होता है, ऊपर, south नीचे, west नीचे, east नीचे, east इधर। तो north होगा ऊपर, south होगा इधर, west इधर, east इधर। क्वेश्चन है if A is to the south of B, A बनाना है मुझे कहाँ पर, B के south में। तो B का south कहाँ हो जाएगा, नीचे। C is to the east of B, C बनाना है मुझे B के east में, तो B के east में बनाया C। अब क्वेश्चन में कह रहा है in what direction is A with respect to C, A कहाँ पे है with respect to C। ठीक है, मुझे A बताना है कहाँ पे है with respect to C, C से बताना। तो C पे चार्ट बनाएंगे और चेक करते हैं A कहाँ पर आ रहा है। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से कि ए कहां पर है, साउथ वेस्ट में। तो सी के साउथ वेस्ट में है ये, तो आंसर आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लक्ष्य स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, लक्ष्य वेस्ट की तरफ गया, कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। Then he turns left and goes 8 किलोमीटर। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब देखिए राइट टर्न ऊपर होता है, लेफ्ट टर्न नीचे होता है, तो 8 किलोमीटर गया नीचे। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 18 किलोमीटर गया। अब देखिए लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा, राइट टर्न इधर हो जाएगा, 18, ये था 10 और ये 8, 18 किलोमीटर। In which direction is he now from his starting point? वो कौन सी direction में है starting point से? तो starting point से देखें कि वो कौन सी direction में है। तो starting point से वो कौन सी direction में है, देखें south east में। तो कौन सी direction में है, south east में। तो answer आ गया अपना C, clear? चलिए दोबारा देखें, वेस्ट गया 10 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया 8 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लिया 18 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। चले अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन है ब्रेकडाउन का कोड है, NWO DKAERB। मुझसे पूछा है ट्राइंगल्स का कोड बताएं। अब मुझे इसका कोड समझना है, फिर ट्राइंगल्स का कोड निकालना है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, N इधर, W O D K A E R B, तो क्या हो रहा है, रिवर्स, पीछे वाले आगे आ रहे हैं और आगे वाले पीछे जा रहे हैं, तो रिवर्स हो रहे हैं। ऐसे ही ट्रायंगल्स में करना है, तो ट्रायंगल्स में सबसे पीछे क्या है, S, फिर क्या है E, फिर क्या है L, फिर क्या है G, N A I R T। तो आंसर देखते हैं S E L G N A, S E L G N A I R T, तो आंसर आ गया D ऑप्शन। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट्स। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट्स। हां जी, अगला क्वेश्चन है कंबाइन का कोड है XLNYRMV, फ्लावर का कोड बताएं। अब देखिए आपको मैंने ऑपोजिट लेटर्स बताए हैं, दो लेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट कब होते हैं, जब दोनों का सम कितना आता है, 27। ये सी 3, ये 24, तो ये 27 बन रहा है, ये 15 और ये 12, 27 बन रहा है, ये 13 और 14 क्या बन रहा है, 27। तो ये क्या आ जाएगा, क्रैक्स, ओएलएक्स, मेन, बाय, इंडियन रेलवेज, मेन, इवन।
आपको मैंने ऑपोजिट लेटर्स की शॉर्टकट याद करवाई हुई है, उससे आपके पास ये आ गया। अब फ्लावर का बता रहे हैं, तो एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यू। एल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओ का ऑपोजिट एल। डब्ल्यू का डोंट वरी, ई का वी, आर का आई। तो आंसर आ गया यू ओ एल डी वी आई, यू ओ एल डी वी आई। तो फर्स्ट ऑप्शन, उफ, ओ एल एक्स, डोंट वरी, इवन, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आपको ये ऑपोजिट लेटर्स याद करवा दूंगी मैं जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे हमारा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, मद्रास का कोड है 56। अब ये 56 कैसे बना? अब ये जो 56 है, ये पोजीशन वैल्यूज का सम होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड का सम या राइट हैंड साइड का सम। तो ये जो 56 है, ये क्या होगा? पोजीशन वैल्यूज का सम, या तो लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का। अब चेक करते हैं ये किसका है। एम की पोजीशन वैल्यू 13, ए 1, डी 4, आर 18, ए 1, एस 19। अब चेक करते हैं क्या ये 56 आ रहा है। ये मैंने कौन सी पोजीशन वैल्यूज डाली? लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का सम 56 नहीं आ रहा, तो मैं राइट हैंड साइड का चेक करूंगी। तो चले चेक करते हैं, 13 + 1 14, 18, 18 और 18 36, 37, 37 और 19 कितना बन गया? 56। तो बिल्कुल सही। अब कैलकटा का भी सेम कोड बनाना है, तो कैलकटा का मैंने पोजीशन वैल्यूज डाली C3, A1, L12, C3, U21, T20, T20, A1। ठीक है, अब मैंने इनको ऐड किया, 3 + 1 4, 4 + 12 16, 19, 40, 60, 80, 81। तो मेरा कैलकटा का कोड क्या आ गया? 81। तो आंसर आ गया B। ठीक है, तो कैलकटा का कोड क्या आ गया? 81। चले अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। हाँ जी, पोजीशन वैल्यूज डालते हैं, B2, E5, H8। अब यहां पर कितना बड़ा? 3। यहां पर भी 3। यहां पर भी कितना बढ़ेगा? 3। तो 8 + 3 11। तो क्या स्टार्ट होगा? K। अब देखिए, K से अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, 13 15 17। 13 और 15 में 2 बड़ा, 15 और 17 में 2 बड़ा, 17 + 2 19 S। तो कंफर्म है आंसर क्या होगा? D, KSU। हाँ जी, मिसिंग नंबर बताना है इसमें सीरीज में क्या आएगा। अब ये देखिए, 19 × 2 38, 19 × 2 38। अगला है 38 × 3 114। अगला क्या आ जाएगा? 114 × 4, यानी कि 456। दोबारा देखें, 19 को 2 से गुना करेंगे 38 आ जाएगा, 38 को 3 से करेंगे 114 आ जाएगा, 114 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 456। चले अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो रहा है। या तो मैं ये कर सकती हूँ, +1, इसमें कितना हो रहा है? +3, इसमें कितना हो रहा है? +9। अब इसमें कितना होगा? 1 × 3 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो 27 ऐड किया आ जाएगा 40.5। या दूसरा तरीका देखें, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया 1.5, ये 3 से मल्टीप्लाई किया 4.5, ये भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 13.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 40.5। तो मेरा आंसर आ गया 40.5। चाहे हम इस तरीके से करें, चाहे हम इस तरीके से करें, आंसर क्या आएगा? सेम। चलिए अगला है नंबर, अल्फाबेट सीरीज का। पोजीशन वैल्यू डालते हैं,
चार आठ 13, 4 और 8 में 4 बड़ा, 8 और 13 में 5 बड़ा, यहाँ 4 बड़ा यहाँ 5, तो अब कितना बढ़ेगा 6, 13 प्लस 6 19, तो क्या आ जाएगा S। अब S से A ऑप्शन है और D ऑप्शन है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अगला चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये 5 5 8 14, अब 5 और 8 में कितने बड़े 3, 8 और 14 में कितने बड़े 8, सॉरी आई 9 है, ठीक है 9 और 14 में कितने बड़े 5, ये 3 ये 5, तो अब कितना बढ़ना चाहिए 7। अब 14 प्लस 7 करेंगे 21, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखें कुछ गलत किया होगा हमने, इरेज करते हैं। हाँ जी, डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, 4 8 13, यहां बड़ा 4 यहां बड़ा 5, तो अब कितना बढ़ेगा 6 19, ऐसा आ गया, ये 5 ये 9 ये 14, 5 और 9 में कितने बड़े 4, 9 और 14 में कितने बड़े 5, तो अब कितना बढ़ेगा 6, एक एक ही बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 6 20, 20 कौन होता है T, तो अपना आंसर हो गया A ST। अगला देखेंगे 6 10 15, तो ये 4 बड़ा फिर 5 बड़ा फिर 6, 15 प्लस 6 21 U, तो अपना आंसर आ गया ए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाला है, वो कह रहा है इस सीरीज में ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं अपने प्रिसीडिंग नंबर से पर फॉलोइंग से नहीं है डिविजिबल, ठीक है। अब उसने बोला ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जो अपने प्रिसीडिंग वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा पर फॉलोइंग वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 8 8 अपने 4 से पिछले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 आ जाएगा, पर 6 रखेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा 4/3, तो एक पेयर। अगला इवन नंबर लिया 6, वो 8 से डिविजिबल नहीं है, अगला इवन नंबर 8 7 से डिविजिबल नहीं है, अगला इवन नंबर 6 वो 8 से डिविजिबल नहीं है, अगला इवन नंबर 6 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 के नीचे 6 रखेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, अगला इवन नंबर ये होगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा पर 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला इवन नंबर चेक करते हैं, 2 7 से डिविजिबल नहीं है, अगला इवन नंबर आएगा ये 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 4 आ गया पर 3 से करूं तो नहीं आएगा, अगला इवन नंबर ये 6, 6 के नीचे अगर मैं 3 रखती हूं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है पर 9 रखती हूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, बस। तो कितने पेयर्स आए, 4 पेयर्स, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर हो गया 4। दोबारा सुने, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने इवन नंबर है जो अपने प्रिसीडिंग से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, प्रिसीडिंग मतलब पहले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव का बेबी काव, ठीक है काव का बेबी क्या होता है, काव। हॉर्स के बेबी को क्या बोला जाता है, काव के बेबी को काफ बोला जाता है, हॉर्स के बेबी को बोला जाता है पोनी, तो उत्तर आ गया सी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 में से 3 एक जैसे हैं, 3 आर अलाइक 1 इज डिफरेंट, तो कौन सा डिफरेंट है। एप्पल हमें पता है क्या होता है, फ्रूट, ग्रेप भी फ्रूट पियर भी फ्रूट, पर पाइन क्या होता है, ट्री, तो ऑड वन आउट कौन सा आ गया, डी, बाकी सारे फ्रूट्स हैं पाइन क्या है, ट्री। चलिए फिर से वही वाला क्वेश्चन, 3 एक जैसे हैं एक अलग है, तो जो अलग है वो बता रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है पार्क,
यहाँ पे हम व्हीकल्स की रोकते नहीं है, प्लेटफॉर्म में ट्रेन्स रुकते हैं, डॉक में भी, शिप हैंगर में भी ऐसी बोट्स शिप्स वगैरह रुकते हैं। तो मेरे पास जो पार्क है वहां पर ये चीजें लैंड नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे चीजें लैंड होती है, यहाँ पर नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन, 14। 14 क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्राइकिंगली, क्वेश्चन में कह रहा है क्या मैं कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकती हूँ, सेकंड वर्ड, फोर्थ वर्ड, सेवेंथ वर्ड और 10th वर्ड को यूज करके। सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ और 10th वर्ड को यूज कर, अगर तो बनता है सिंगल वर्ड तो उसका थर्ड लेटर क्या है, अगर सिंगल वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर क्या है, अगर तो कोई भी वर्ड नहीं बनता तो एक्स, एक से ज्यादा बनते हैं तो क्या आंसर आएगा, एम, एक से ज्यादा तो एम, कोई भी नहीं बनता तो एक्स, अगर एक बनता है तो उसका थर्ड लेटर, तो चले बनाते हैं TINY, तो एक तो बन गया टाइनी। अब और कोई वर्ड बन रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा तो एक ही वर्ड बना तो क्या आंसर आ गया एन, एक ही वर्ड बनेगा तो उसका थर्ड लेटर बताना और थर्ड लेटर क्या है इसका, एन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं इन चारों को यूज करके सिंगल सिंगल टाइम, ठीक है, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, TEBI। अब इन चारों को यूज करना है और एक एक बार, तो एक वर्ड बन रहा है बाइट, और देखें इन चारों को यूज करना और एक एक बार यूज करना, तो एक ही बन रहा है बाइट, तो आंसर आ जाएगा वन। हाँ जी, बकेट को ये लिखा हुआ है, बोनस का बताएं। अब देखिए बकेट में यूज हो रहे हैं 6 अल्फाबेट्स और नीचे यूज हो रहे हैं 12, ऊपर 6 और नीचे 12, तो ये तो डबल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अक्षर के लिए दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक अक्षर के लिए दो, अगर मैं देखूँ बी की पोजीशन वैल्यू है 2 तो ये 1 और ये 3, मतलब एक प्रीवियस और एक अगला लेटर, U21 तो ये 20 और ये 22, तो एक प्रीवियस और एक अगला, तो ये प्रीवियस और ये अगला, ठीक है, ये प्रीवियस और ये अगला, तो एक प्रीवियस हो रहा है और एक अगला यूज हो रहा है। अब ऐसे ही बोनस है, तो बोनस का प्रीवियस ए, अगला क्या हो जाएगा सी, तो ये ऑप्शन तो कट गई। ओ का प्रीवियस ओ 15, तो 14 N P ACNP, ये भी कट गई, ये आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं N 14 का देखूं तो M और इससे बाद क्या आता है O, MO, आंसर आ जाएगा अपने पास ये सी ऑप्शन, क्लियर। चल 6 का 222 के साथ रिलेशन देखना है, 7 का भी ऐसे ही बनाना है। अब 6 का 222 कैसे बना होगा, अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो 222 आ जाएगा, ऐसे ही 7 का क्यूब कितना होता है 343, अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 350 आ जाएगा, तो मेरा आंसर हुआ 350। 6 का 222 कैसे बना, 6 का क्यूब प्लस 6, 216 प्लस 6 कितना आ गया 222, तो ऐसे ही 7 का बनाना है, 7 का क्यूब 343 प्लस 7 350। चले अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को पॉइंट आउट किया। हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था हम क्वेश्चन को एज्यूम करके भी कर सकते हैं और ट्री बना के भी, ट्री बनाकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, तो चलिए आज हम करते हैं एज्यूम करके। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, जब भी आपने क्वेश्चन को एज्यूम करना है तो स्पीकर आप हैं, तो ये जो स्पीकर है वो आपने अपने आप को एज्यूम करना है और पीछे से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना है। अब वुमेन कह रही है, ठीक है, वुमेन क्या कह रही है, माय हस्बैंड्स फादर,
मेरे हस्बैंड के पापा, तो वुमेन के हस्बैंड के पापा कौन हो गए? ससुर। ससुर की वाइफ, ससुर की वाइफ कौन हो गई? सास। ससुर की वाइफ कौन हो गई? सास। सास का ये बेटा है। अब सास का बेटा है तो उस वुमेन का क्या लगा? अब देखिए, अगर होता ओनली सन, यहाँ पे ओनली वर्ड आ जाता तो होता हस्बैंड। अब यहाँ पे ओनली वर्ड तो आया नहीं, तो ये क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हस्बैंड है भी नहीं, तो क्या लेंगे? ब्रदर इन लॉ, देवर होगा या जेठ होगा? दोबारा सुने, जब भी हमने क्वेश्चंस को एज्यूम करके करना है तो हम क्या करेंगे? स्पीकर को, अपने आप को एज्यूम कर लेंगे। तो स्पीकर वुमेन, तो वुमेन कौन है? स्पीकर। तो ये वुमेन आ गई स्पीकर, पीछे से पढ़ा है माई हस्बैंड्स फादर, ठीक है? स्पीकर ने कहा मेरे हस्बैंड के पापा, यानी के ससुर, ससुर की वाइफ, सास, सास का बेटा। ओनली वर्ड होता तो क्या हो जाता? हस्बैंड, पर ओनली वर्ड नहीं है। तो सास का बेटा कौन हो गया? जेठ या देवर, ब्रदर इन लॉ। चले अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज। अ मैन कौन है? स्पीकर, ठीक है? पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, मैन सेज। तो स्पीकर से स्टार्ट किया, माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ, ठीक है? स्पीकर ने कहा मेरी बहू की सास, ठीक है? मेरी बहू, मैन की बहू की सास, तो उसकी क्या हो गई? वाइफ। स्पीकर ने कहा मेरी बहू की सास, मेरी बहू की सास, उसकी क्या हो गई? वाइफ। वाइफ का सन, तो वाइफ का सन उसका क्या हो गया? बेटा। बेटे की ये दादी है। अब ये जो फोटोग्राफ है वो क्या है? बेटे की दादी। अब बेटे की दादी है तो मतलब उसकी क्या हो गई? मदर। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वुमेन इस पर्सन की क्या लगी, तो वुमेन इस पर्सन की क्या लगी? मदर। दोबारा सुने, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, स्पीकर ने कहा, ठीक है? स्पीकर ने कहा, स्पीकर हो गई मैन, तो पीछे से पढ़ा माई डॉटर इन लॉ, मेरी बहू की सास, मेरी बहू की सास, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ का बेटा, उसका बेटा, उसके बेटे की दादी है ये, उसके बेटे की दादी मतलब उसकी क्या हो गई? मदर। तो वुमेन उस पर्सन की क्या लगी? मदर। चले अगला क्वेश्चन भी एज्यूम करके करते हैं, मैन, मैन आप सारे, स्पीकर पीछे से पढ़ा माई वाइफ्स मदर इन लॉ। अब मैन कह रहा है मेरी वाइफ की सास, मेरी वाइफ की सास मतलब उस मैन की क्या हो गई? मम्मी, ठीक है? उस मैन की क्या हो गई? मम्मी। मम्मी की ओनली डॉटर, मम्मी की ओनली डॉटर मतलब उसकी क्या हो गई? सिस्टर। तो वो किसकी फोटो देख रहा है? अपने सिस्टर की। ये वुमेन उस मैन की क्या लगी? सिस्टर। वुमेन उस मैन की क्या लगी? सिस्टर। चल अब ये आ गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है पांच बंदे बेंच पे बैठे हैं। अब बेंच में बैठे हैं, बताया नहीं कैसे किस डायरेक्शन में। अगर कुछ भी ना बताया जाए तो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? फेसिंग नॉर्थ। तो मुझे कैसे बिठाना है उनको? फेसिंग नॉर्थ। तो मुझे फेसिंग नॉर्थ बिठाना है इन पांच बंदों को। ये पांच बंदे बना दिए फेसिंग नॉर्थ। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए कहाँ बैठा है? बी के नेक्स्ट में। तो ए बी के नेक्स्ट में है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट मतलब साथ में बैठा है, ए बी या बी ए। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी नी डी के नेक्स्ट में है, तो सी डी भी हो सकता है और डी सी भी हो सकता है। ई इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच। ई कहाँ पर है? बेंच के लेफ्ट एंड पे। तो ये स्टार्ट हुआ क्वेश्चन लेफ्ट एंड पे। सी कहाँ से है? राइट से सेकंड पोजीशन। तो एक दो राइट से सेकंड। अब देखिए जब फेसिंग नॉर्थ होता है तो लेफ्ट इधर होता है और राइट उधर होता है। लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर। तो सी कहाँ पे है? राइट से सेकंड पोजीशन पे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ए और सी इकट्ठे बैठे हैं।
अब ए को मैं यहां भी ले सकती हूँ, ए को मैं यहां भी ले सकती हूँ, पर ए के साथ बी ने आना है। ए के साथ किसने आना है? बी ने। तो ए को यहां लेंगे तो बी नहीं आएगा, तो ए को यहां लेंगे उसके साथ बी आ जाएगा, सी के साथ डी ने आना है तो डी को यहां ले लिया। अब क्वेश्चन है बताएं ए कहाँ बैठा है, तो ए देखे कहाँ बैठा है, किसके बीच में? बी एंड सी के बीच में। तो ए किसके बीच में है? बी एंड सी के बीच में, ठीक है। तो आपके पास अगर बेंच पे बनते बैठे हैं, कुछ नहीं बताया, तो क्या बनाएंगे? फेसिंग नॉर्थ। तो पांच बंदे फेसिंग नॉर्थ बैठे हैं। चले अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का। पांच बंदे हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं। बी स्कोर्ड मोर देन सी एंड डी, बी के नंबर सी से भी ज्यादा है और ई से भी ज्यादा है, एंड लेस देन ए एंड डी, बी के नंबर इन दोनों से ज्यादा हैं पर बी के नंबर ए से भी कम है और डी से भी कम है, सी के नंबर सबसे कम नहीं है। तो बताएं सबसे लोएस्ट कौन होगा? सी सबसे लोएस्ट नहीं है, तो इन चारों में से कोई होगा लोएस्ट। चले देखते हैं, जो लोएस्ट होगा वो पीछे आएगा पर वो आगे नहीं होगा। देखिए सी नहीं आ रहा पर सी लोएस्ट है नहीं, ई नहीं आ रहा, बी आ गया, बी आ गया। तो सबसे लोएस्ट किसके नंबर है? ई, और वो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। दोबारा देखें, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है सी सबसे लोएस्ट है नहीं, जो सबसे लोएस्ट होगा वो पीछे आएगा पर आगे नहीं आएगा। सी नहीं आया पर सी सबसे लोएस्ट है नहीं, ई आगे नहीं आ रहा, बी आ चुका है तो बी का लोएस्ट हो ही नहीं सकता, तो ई होगा पर ई आगे नहीं आ रहा, तो आंसर आ गया ई, तो नन ऑफ दीज। चल अगला क्वेश्चन है, अजय का रैंक है 16th फ्रॉम टॉप। अजय कौन से नंबर पे है टॉप से? 16 नंबर पे, और अजय ही 29th है बॉटम से, और अजय ही 29th है बॉटम से, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है, ठीक है। अब अजय का रैंक आगे से भी आ गया, पीछे से भी आ गया, तो मैं टोटल पास बच्चे निकाल सकती हूँ कैसे? 16 प्लस 29 माइनस 1, ठीक है, तो 16 प्लस 28, 16 प्लस 28 44 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर को पास किया। 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और 5 फेल हो गए। तो बताएं कितने बच्चे हैं इस क्लास में? 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल हो गए, तो कितने जनों ने पार्टिसिपेट किया होगा? कितने मतलब टोटल बच्चे हैं क्लास में, तो टोटल बच्चे कितने आ गए? 55। 44 पास हैं, 6 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल हो गए, तो 50 प्लस 5, 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सॉरी 55 बच्चे हैं क्लास में। चलें अगला क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है? आपको एक प्रॉब्लम दे देगा, नीचे मुझे उसका सोल्यूशन बताना है, तो मुझे बताना है किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मॉनसून, व्हेन एवर इट फेल्स दे आर रेन। तो कह रहा है इंडियन फार्मर्स मॉनसून की मर्जी पे जी रहे हैं, अगर मॉनसून बढ़िया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज थल्ले थल्ले। कोर्सेज ऑफ एक्शन, पहला, गवर्नमेंट शुड अरेंज फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन चला देना चाहिए, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरे में कह रहा है इंडियन फार्मर्स शुड लीव देयर फील्ड्स एंड स्टार्ट सम अदर बिजनेस। इंडियन फार्मर्स को अपना बिजनेस छोड़ के कोई और काम करना चाहिए, तो हमें इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ये हम प्रॉब्लम से भगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? 1, सेकेंड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, तो अपना आंसर आ गया 1। अगला है, इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, परफॉर्मिंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली बैटिंग लाइन तो बेस्ट है वर्ल्ड में।
इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बैटिंग लाइन तो बेस्ट है वर्ल्ड में, क्या करना चाहिए? देयर शुड बी लीस्ट चेंजेस, कट तो कट चेंजेस करनी चाहिए प्रेजेंट टीम, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही है तो कम से कम चेंजेस करनी चाहिए। बिल्कुल सही, इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एन एक्शन टू इम्प्रूव दी बॉलिंग स्टैंडर्ड, बॉलिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। अब देखिए, मेरे पास बॉलिंग खराब तो नहीं बताई, जो प्रॉब्लम दी होगी उसका सोल्यूशन निकालना। तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छा खेल रही है, बैटिंग लाइन तो बेस्ट वर्ल्ड में, तो कट चेंजेस करनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा वन, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताएंगे, अपने आप सोल्यूशन नहीं बताएंगे। चलिए, तो अगली सेशन में हम और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो पेपर में एक्सपेक्टेड है। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, ज्ञानम आपका हर टाइम सपोर्ट करेगा, आपकी हर तरफ से हेल्प करेगा। थैंक यू।